नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा है HRMS पोर्टल से ही जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HRMS पोर्टल पर पास मॉड्यूल 3.0 के बारे में और 3.0 में जो जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम EPTO में ब्रेक जर्नी का ऑप्शन डालने के बारे में भी जानेंगे कि आप ब्रेक जर्नी का ऑप्शन EPTO में बदल दिया गया है, अभी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। PTO में ब्रेक जर्नी का ऑप्शन कैसे ऐड करना है, और उसके बाद में दोस्तों दूसरा बदलाव क्या हुआ है जो पास PTO एप्लीकेशन है उसमें उसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को दोनों जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में जानना है तो आपको एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य, टास्क, रिक्वेस्ट, निवेदन, जो भी आप समझे वो मैं आपसे करना चाहूँगा या आपको देना चाहूँगा, जो भी आप समझ लीजिए। और मेरा तो काम देना या करवाना ही है, बाकी करना ना करना वो आपके हाथ में है। अगर दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता नहीं आप किस तरीके से करेंगे, लेकिन जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसका कलर लाल से ग्रे हो जाना चाहिए, और साथ ही जो घंटी वाला आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, ताकि आगे के सभी वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है आपके पास में पहुंचते रहे और आप हमारे वीडियोज देखते रहे, आप हमारे साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां आपको दोनों बदलाव के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको भी ओपन करना है अपने जो भी आपके पास में सिस्टम अवेलेबल है, मोबाइल है या लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिससे भी आप अप्लाई करना जा रहे हैं वहां पर आपको ओपन करना है HRMS का URL। तो दोस्तों, यहां पर आपको HRMS का जो लॉगिन ID पासवर्ड है अपने वो डाल लेना है, और डाल करके ये जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है OTP वगैरह की वो हम कंप्लीट करते लेते हैं, तो डायरेक्टली मिलते हैं आपको डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर HRMS के डैशबोर्ड पर। यहाँ से आपको जाना है पास मॉड्यूल के वर्जन 3.0 में, जो कि अब इसमें जो अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2022 के पास वाले ऑप्शन के बारे में बताया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा मेन टॉपिक है EPTO के एप्लीकेशन में ब्रेक जर्नी के बारे में। तो यहाँ से प्रिविलेज टिकट ऑर्डर हम सेलेक्ट करेंगे, जिस ईयर का भी आपका अवेलेबल है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पर। तो जैसे दोस्तों आप न्यू एप्लीकेशन पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रेक जर्नी का कोई ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप यहां देख रहे हैं फ्रॉम स्टेशन से टू स्टेशन तक आपको दिया गया है, यहां पर ब्रेक जर्नी नहीं दिया गया है। तो अब क्या करना है, यहां पर जैसे भी जो भी आप फ्रॉम स्टेशन सबसे पहले डाल दीजिए, जो भी आपका स्टेशन कोड है और जहां पर भी आपको जाना है वो स्टेशन कोड आप यहां से जो स्टेशन है उसका। अब यहाँ पर जैसे ही आप दोनों स्टेशन फिल करेंगे तो उसके बाद में आप देख रहे हैं प्लीज़ चेक दिस बॉक्स टू एंटर रूट स्टेशन इफ देर इज नो डायरेक्ट ट्रेन बिटवीन एंटर्ड फ्रॉम टू स्टेशंस। अगर दोस्तों जहाँ पर आपने जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ पर आप जा रहे हैं बीच में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, दोनों स्टेशनों को डायरेक्ट ट्रेन से कनेक्ट नहीं होते हैं, यानी इंटरमीडिएटरी स्टेशन से ही आपको जाना होता है, उस केस में ही आपको PTO में ब्रेक जर्नी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको इसको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर रूट स्टेशन डाल देना है। तो जो भी आपको जहाँ से भी आप चेंज करना चाहें वो रूट स्टेशन डाल दीजिए। तो ये एक चेंजेज हुआ है जो EPTO का एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें ब्रेक जर्नी का ऑप्शन आपको पहले ये डायरेक्ट मिल रहा था, पहले था ही नहीं, उसके बाद में पास मॉड्यूल 2.0 में इसको दिया गया था, लेकिन अभी इसमें फिर से अपडेट किया है और यहाँ से डायरेक्टली आपको अगर आप इसको पूरा क्लियर करेंगे तो देखेंगे कि जब तक आप ये दोनों फ्रॉम स्टेशन और एंड स्टेशन दोनों को फिल नहीं करते हैं तब तक आपको इंटरमीडिएटरी स्टेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है।
इसके बाद में बाकी जो प्रोसेस है वो तो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आपको सिंपली अपने जो जिन मेंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में आप यहाँ पर एक और चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है, जो आप देख रहे हैं, आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट सस्पेंडेड। मतलब दोस्तों, आप अगर सस्पेंशन के अंडर सस्पेंशन है तो आप पीटीओ के लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंडेड है तो उसको पास पीटीओ की सुविधा नहीं मिलती है और वो इनको प्रिविलेज पास और पीटीओ को अवेल नहीं कर सकता, इस वजह से ये भी दिया गया है यहाँ पर। तो ये दो नए अपडेट हैं जो पास मॉड्यूल 3.0 में दिए गए हैं। आपको इन मॉड्यूल्स के बारे में अगर पहले से पता था इन चेंजेस के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको क्या लगता है इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, इससे स्पीड अच्छी होगी क्या, मतलब आपको ये जो चेंज लगा किया है HRMS में उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इससे मेरे हिसाब से जो चेंजेस करने से यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएटरी स्टेशन है इसको डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। इसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि नॉर्मली क्या होता था, कई लोग क्या करते थे यहाँ से, जैसे डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल है उसके बाद भी इसको सेलेक्ट कर लेते थे, यहाँ पर इंटरमीडिएटरी जो स्टेशन है उसको ब्रेक जर्नी का डाल देते थे, तो उसी वजह से इसको निकाला गया है। बाकी इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, और ये डालने के पीछे लॉजिक ये है दोस्तों, जो ये डिक्लेरेशन आपसे पूछ रहे हैं कि मैं सस्पेंडेड नहीं हूँ, इसके पीछे रूल ये है कि अगर कोई कर्मचारी अंडर सस्पेंशन है तो उसको पास पीटीओ नहीं मिलता है, और उसके लिए ये चीज़ यहाँ पर ये नियम एप्लीकेबल होता है डायरेक्टली, क्योंकि इस सिस्टम को तो पहले पता नहीं होता है ना कि ये इस तरीके के नियम है। रेलवे बोर्ड जिस तरीके की जो भी गाइडलाइंस है उनको इसमें इसके बाद एक डाला जा रहा है और ये बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये HRMS में किए गए बदलाव कैसे लगे, इनके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी सेम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इन दोनों का बारे में आप जान लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स, हर जगह पर मिल जाएगा, तो जहाँ से जाकर के आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो देर किस बात की, लाइक वाला बटन दबाकर हमको थोड़ा खुश कर दीजिए, बाकी आपका जाएगा कुछ नहीं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आपकी कोई भी सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रख दीजिए। आज के भी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, जिसमें हम अभी नेक्स्ट जो हमारा प्लान है उसके बारे में ये वो थोड़ा और भी दे देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे वो पास रूल से रिलेटेड रहेंगे, तो हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं चैनल पर, जिसमें जितने भी रेलवे सर्वेंट के जो भी पास रूल है एक एक पॉइंट इस बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके लिए हम इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कंटिन्यूसली आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि आपके पास सारे वीडियोज़ के अपडेट पहुँचते रहें।